Hello to all of you dear students, myself Umashri Mathur from Kohinoor Kids Academy, Neemka Thana. Dear students, here is book of EVS for class 5th, Apna Parivesh. Today we will learn chapter 5th, Let's Play. Dear students, you all like to play games. Games are very important for us because they keep us fit and healthy. They make us relaxed and comfort. Games are good medium of recreation along with physical and intellectual development. Games make us disciplined. They encouraging the feelings of cooperation and companionship. When we play games, excitement and enthusiasm increase. Games teach us victory, belief, struggle, cooperation, and make our life beautiful and beautiful. So every person should play games to keep physical fit and healthy. बच्चों, आप सब खेल खेलना पसंद करते हो. खेल जो हैं वो हमें फिट और हेल्दी बनाते हैं. ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और ये हमें रिलैक्स करते हैं और कंफर्ट बनाते हैं. गेम्स बहुत अच्छा मीडियम है रिक्रिएशन का. जब हम कई बार काम करते हुए थक जाते हैं या पढ़ाई करते समय या किसी भी काम को करके जब हम थक जाते हैं या उकता जाते हैं तो फिर हम कुछ ऐसा करते हैं कि हमारा माइंड वापस एनर्जेटिक, हम फिजिकल वापस एनर्जेटिक बन जाएं. तो इसके लिए मोस्ट जो लोग हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं, वो गेम्स को खेलना पसंद करते हैं. गेम्स जो हैं वो हमारा न सिर्फ फिज़िकल डेवलपमेंट करते हैं बल्कि इसके अलावा, यानी ये सिर्फ ना हमारा शारीरिक विकास करते हैं बल्कि ये हमें डिसिप्लिन बनाते हैं. इसके अलावा ये हमें एनकरेज करते हैं सहयोग और जो है कंपटीशन की भावना को. गेम्स जो हैं हमें एक्साइटमेंट भरते हैं, उत्साह भरते हैं. ये हमें कई चीज़ें सिखाते हैं जैसे विश्वास, स्ट्रगल, जीत, सहयोग और हमारी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाते हैं. सो नाउ वी स्टार्ट अवर चैप्टर डियर स्टूडेंट्स. यस, लेट्स प्ले गेम्स. वेरियस टाइप्स ऑफ गेम्स. In Rajasthan, many games are played in different ways in different parts of the state. There are some traditional games which can be played very easily without much aids, like Mardari, Satolia, Gilli Danda, Chuppa Chuppi, Pakda Pakdi, etc. Other games like Charbar, Chopper, Singh Bakri, Ast Changa, etc. are indoor games which are full of fun and can be played very easily sitting on Chabutri, Angan. On the occasion of festivals, special sports are being organized in different regions, as on the occasion of Makar Sankranti, Sitolia in Mewar, kite flying in Wagad, Marwar and Dhundan, etc. बच्चों, राजस्थान जो हैं, राजस्थान में कई तरह के खेल हैं. इसके अलग अलग भागों में अलग अलग खेल खेले जाते हैं. कुछ ट्रेडिशनल यानी परंपरागत गेम्स होते हैं जो कि इजीली खेले जा सकते हैं बिना किसी और चीज़ों को यूज़ किए हुए, जैसे मारदड़ी हुआ, सितोलिया, गिल्ली डंडा, छुपा छुपी, पकड़ा पकड़ी. ये सारे गेम आप खेलते भी हैं. अदर गेम्स होते हैं जैसे चरबर, चौपट, सिंह बकरी, अष्ट चंगा. ये इंडोर गेम्स होते हैं. ये फुल फन से भरे होते हैं और इनको हम इजीली कहीं भी बैठकर खेल सकते हैं, जैसे अपने घर की चबूतरी पर या फिर
आंगन में। ऑन द ओकेजन ऑफ फेस्टिवल्स, यानी कि त्योहारों के अवसर पर भी कई तरह के खेल खेले जाते हैं। कुछ स्पेशल स्पोर्ट्स होते हैं जो कि फेस्टिवल्स के ओकेजन्स पे खेले जाते हैं, जैसे अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं उनमें अलग अलग जो फेस्टिवल्स होते हैं उन पे अलग अलग खेलों का आयोजन होता है। जैसे मेवाड़ में मकर संक्रांति पर सितोलिया खेला जाता है, और काइट फ्लाइंग जो है वागड़ में किया जाता है, और मेवाड़ और ढूंढाण में भी किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, लुक एट द फॉलोइंग फिगर्स एंड डिस्कस अबाउट देम। यहाँ पे कुछ गेम्स दिए जा रहे हैं, आपको इन फिगर्स को ध्यान से देखना है और बताना है कि क्या ये इंडोर गेम्स है, आउटडोर गेम्स है, या फिर ये ट्रेडिशनल गेम्स हैं। फर्स्ट गेम इज बिलियर्ड्स, चेस, आर्चरी, कबड्डी, रेसलिंग, हॉकी, टेबल टेनिस एंड बैडमिंटन। डियर स्टूडेंट्स, व्हेन मोर देन वन प्लेयर प्ले टुगेदर, ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन इज जेनरेटेड एंड इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। बच्चों, जब एक प्लेयर जो है दूसरे प्लेयर के साथ खेलता है तो इससे कोऑपरेशन की जो है फीलिंग जेनरेट होती है, और ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को डेवलप करने में जो है पूरी हेल्प करती है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मतलब है जब लोग खेलते हैं, जब किसी भी स्पोर्ट्स को खेला जाता है तो बिना किसी बदले की भावना के बिल्कुल तालमेल के साथ ये खेल खेलना और बिना किसी को हतोत्साहित किए या बिना किसी को जो है चोट या नुकसान पहुंचाए हुए सहयोग की भावना से खेल खेलना ही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है। द गेम्स विच आर प्लेड इन एन ओपन ग्राउंड आर कॉल्ड इंडोर गेम्स एंड दोज विच आर प्लेड इन रूम और कवर्ड स्पेस आर कॉल्ड इंडोर गेम्स। नाउअडेज आफ्टर द टेलीकास्ट ऑफ मैचेस ऑफ कबड्डी ऑन दूरदर्शन, इट इज बिकमिंग ए वेरी पॉपुलर स्पोर्ट। We can see children playing kabaddi on the streets, grounds of many localities. At some places, they are seen playing cricket also. Although a very big playground is required to play cricket, but children are seen playing it even on small pieces of land. These days, people have become very much aware of their health. Therefore, yoga is also very popular among them. Come, let's know something about yoga. हाँ तो बच्चों, मैंने अभी आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के बारे में बताया, अब मैं आपको बता रही हूँ कि वो गेम्स जो कि ओपन प्लेग्राउंड में खेले जाते हैं उन्हें आउटडोर गेम्स कहा जाता है, और वो गेम्स जो कि रूम या फिर किसी कवर्ड स्पेस पे खेले जाते हैं उन्हें इंडोर गेम्स कहा जाता है। इन दिनों जो है टेलीकास्ट पर कबड्डी के जो मैचों का इन दिनों टेलीविज़न पर कबड्डी के मैचेस का जो प्रसारण किया जा रहा है दूरदर्शन पर, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है ये स्पोर्ट्स की वजह से। हम बच्चों को जो है कबड्डी गलियों में और ग्राउंड पे खेलते हुए देख सकते हैं। कुछ जगहों पर तो बच्चों को आप क्रिकेट भी खेलते हुए देख सकते हैं, जबकि क्रिकेट को खेलने के लिए एक बहुत बड़े प्लेग्राउंड की ज़रूरत होती है, लेकिन बच्चे इनको छोटी छोटी जगहों पर भी खेलते दिखाई देते हैं। इन दिनों जो है लोग अपनी सेहत के प्रति काफ़ी सजग हो चुके हैं, इसीलिए योगा जो है बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में जो है पॉपुलर होता जा रहा है। आइए हम योगा के बारे में कुछ पढ़ें। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी